कमल कर सकते हैं। तो यहां पर जब मुख्य जो वस्तु है उसका उपमान की निंदा जहां पर तर्क देकर के विशेष रूप से की जाए तो वो अपन रूप से वहां पर ये अपनभूति जो अलंकार है वो अपनभूति अलंकार वहां पर विशेष रूप से होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानात यदन्यस्य व्यतिरेकस्य एव सः, व्यतिरेक की एक परिभाषा दी गई कि उपमानात यदन्यस्य, उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक माने जो उत्कर्ष उसका नाम व्यतिरेक अलंकार ही है। तो चंद्रमा और कमल ये दो है प्रसिद्ध उपमान, परंतु राधिका उपमेय है, परंतु राधिका के मुख की तुलना में जहां उपमान उनकी हीनता दिखाई जाए और राधिका के मुख की श्रेष्ठता दिखाई जाए वहां पर वो व्यतिरेक नाम करके जो अलंकार है वो व्यतिरेक अलंकार यहां पर प्रस्तुत हो रहा है। तो चंद्रमा उसका कारण बता रहे हैं कि चंद्रमा राधिका के मुख की तुलना में फीका क्यों है, क्योंकि वो दिन में विरूपता प्राप्त करता है, और कमल क्यों फीका है, क्योंकि वो रात्रि में मलिनता प्राप्त करता है। इसलिए राधिका के मुख के लिए ये दोनों जो उपमान है वो दोनों उपमान उचित नहीं है, ये दोनों ही उपमान राधिका के मुख की तुलना राधिका इनसे श्रेष्ठ है, इसलिए अरे सखी तुलना इनसे मैं नहीं दूंगा, अरे मित्र इनसे मैं तुलना नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ऐसे व्यतिरेक अलंकार का यहां पर प्रयोग हुआ है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक सीय मुख समता पाव किम चंद्र बापरो रंग। श्री राजेंद्र सरकार भी निरूपण करते हैं कि चंद्रमा की तुलना श्री जानकी जी के मुख कमल से नहीं दी जा सकती है, क्यों, बोल जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है, क्या समुद्र से हुआ, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, इसका भाई भी कौन है, विष, विष भी कालकूट विष भी समुद्र से निकला, चंद्रमा भी समुद्र से निकला। फिर तीसरा दोष चंद्रमा में क्या है कि दिन मलिन, दिन में मलिन हो जाता है। फिर चौथा दोष क्या है कि सकलंक, चंद्रमा में कलंक है, जबकि सीता के मुख में ये चारों दोष नहीं है, इसलिए सीय मुख समता पाव के चंद्र पापरो रंग, वही व्यतिरेक उपमानात यदन्यस्य व्यतिरेकस्य एव सः, वही व्यतिरेक यहां पर भी शिव शक्त, जहां पर व्यतिरेक में और अतिशयोक्ति में अंतर यह है कि अतिशयोक्ति में कारण नहीं बताया जाता है और उपमान का उत्कर्ष बता दिया जाता है, व्यतिरेक में कारण बता करके फिर उपमान का उत्कर्ष बताया जाता है, ये दोनों में व्यतिरेक अलंकार में और अतिशयोक्ति में दोनों में ये अंतर है, वो एक अलग प्रसंग है। इतने में नेपथ्य से फिर आवाज आती है कि वार्ष भानवी लक्ष्मी यम पुरो रागिणी समुद्गच्छति चंद्रावली कुटुंब चकोर माधाव सुप्रभम, के वार्ष भानवी के वृषभान, वार्ष भानवी वृष का जो चंद्रमा है, वृष राशि का जो चंद्रमा, उसकी शोभा अपूर्व से विराजमान हो रही है। वैशाख के महीने में वृष के जब सूर्य वृष की संक्रांति आए उस समय जो चंद्रमा की शोभा है वो अपूर्व से सर्वत्र सर्वत्र फैल गई है। तो वार्ष भानवी लक्ष्मी यम पुरो रागिणी समुद्र गच्छति, आज वृष ऋतु के वृष राशि के सूर्य की भानु की जो शोभा है वो आहा कैसी सुंदर फैल रही है, अर्थात सर्वत्र सर्वत्र अपूर्व शोभा जो है वो शोभा
आज बसंत ऋतु की छाती हुई विराजमान हो रही है। तो बाश भान भी लक्ष्मी माने वैशाख महीने की अपूर्व शोभा, रागिनी जो मधुरमा को प्रकट करने वाली है वो सामने प्रकट हो रही है। चंद्रावली कुटुंब चकोर माधव सुप्रभम, अरे चंद्रावली के कुटुंब का दर्शन करने वाला, अरे चकोर माधव सुप्रभम। अब इस बाशभानी को छोड़ करके जहां तहां अब तू मतजा मतजा, माने चकोर की चंदा से प्रीति होती है। और जैसे श्री वृंदा जी चकोर चंदा के माध्यम से श्री श्याम सुंदर को ही संकेत करती हुई कह रही है कि आहा श्री विश्वभान नंदिनी। अब बाशभानी में श्लेष अलंकार का प्रयोग है, बाशभानी का एक अर्थ हुआ विश्वभान बाबा उनकी पुत्री माने राधा रानी, और दूसरा बाशभानी का अर्थ हुआ कि वृष राशि का जो भानु माने वैशाख महीने का जो सूर्य उसके द्वारा माने वैशाख महीने की शोभा के माध्यम से जो रागिणी सुंदर शोभा सर्वत्र सर्वत्र फैल रही है, अर्थात बसंत ऋतु में वैशाख महीने की अपूर्व जो शोभा है वह सब ऋतुओं सर्वत्र सर्वत्र फैल रही है। छह ऋतु होती हैं, इनमें दो दो महीने की एक एक ऋतु मानी गई है। चैत्र वैशाख इनको कहा गया बसंत ऋतु, जेठ आषाढ़ इनको कहा गया ग्रीष्म, फिर सावन भादो यह हो गया पावस वर्षा ऋतु, फिर क्वार कार्तिक यह हो गई शरद ऋतु, फिर अघेन पूस यह हो गई शिशिर, फिर हेमंत वसंत यह हो गई, अरे पूस महा यह हो गया नहीं अघेन और पूस, फिर पूस और महा ये हो गई शिष्ट हेमंत ऋतु, और फिर इसके बाद में नहीं महाफागु ये हो गया हेमंत ऋतु। तो दो दो महीने बारह ऋतु है, बारह महीने हैं और बारह महीने में दो दो ऋतु। तो इसी तरह से जो छह ऋतु है वो छह ऋतु विराजमान। तो बाशभान भी जो माने जो अपूर्व से वसंत ऋतु की जो अपूर्व शोभा चैत्र वैशाख इनको माना गया है वसंत ऋतु, तो इसकी जो अपूर्व शोभा है वो अपूर्व शोभा चारों ओर फैल रही है। तो अरे चंद्रमा अरे चकोर तू चंद्रमा की शोभा को छोड़कर के बाशभानी की जो शोभा है उसको छोड़कर के क्यों चंद्रावली के कुटुंब के अरे चकोर क्यों तू इधर उधर भाग रहा है, अर्थात चंद्रावली की ओर मत भाग, बसंत की अपूर्व शोभा का तू दर्शन कर और चंद्रावली की ओर तू मत भाग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का त्याग करके जैसे श्री वृंदा जी कहीं उलाहना देती हुई कह रही है कि तुम चंद्रावली जी की ओर जाने का प्रयत्न मत करो, तुम विश्वान नंदिनी किशोरी जी के पास नहीं रहो। ये कवियों की कहीं एक पद्धति रही है, रसशास्त्र की भी एक पद्धति रही है कि उसमें जब उपदेश दिया जाता है तो यदि गुरु शिष्य साक्षात है तब तो उपदेश दिया जाएगा गुरु शिष्य की शैली में और वो गुरु सम्मत पदावली में उपदेश होगा, परंतु जहां गुरु शिष्य का संबंध नहीं है फिर भी उपदेश दिया जा रहा है तो वो जो उपदेश होगा वो सर्वदा सर्वदा अन्योक्ति अलंकार में होगा, अविधा में नहीं होगा। जहां गुरु शिष्य का सीधा संबंध है वहां पर उपदेश होता है अविधा में, सत्यम व्रत धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रबोधो ऐसे जो वचन है वो बिल्कुल अविधा शैली में कहे जाएंगे। मतलब तीन प्रकार की वाक्य शैली होती है, एक होती है गुरु सम्मत पदावली, दूसरी होती है मित्र सम्मत पदावली, तीसरी होती है कांता सम्मत पदावली।
वेद में जो उपदेश दिए जाते हैं वे है गुरुसंगत पदावली। जैसे गुरुजी शिष्य को उपदेश देते हैं ऐसे वेद स्पष्ट रूप से अविधा में उपदेश प्रदान करते हैं। सत्यम बदो धर्म चरो स्वाध्याय मां प्रबोधो यत्र कुत्रापि ते कर्म विचिकित्सा स्यात् धर्म विचिकित्सा स्यात् तत्र ये श्रोत्रियः तान् सेवस्व इत्यादि जो वचन है ये तैतृ उपनिषद में जैसे शिक्षा वल्ली में जो वचन दिए गए उन वचनों को उस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसी प्रकार के जो वचन है वो स्पष्ट रूप से जिनमें जरा भी ननु नच करने की संभावना नहीं। गुरु जी ने जो कह दिया कह दिया बस उसका पालन करो। उसका नाम है गुरुसंबद्ध पदावली। गुरुसंबद्ध पदावली वेदों में प्राप्त होती है। मित्र संबद्ध पदावली कौन सी? जैसे एक मित्र कहता है कि भाई ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा करने पर नुकसान हुआ। जैसे अब उदाहरण करने के लिए कि यदि लीलावती कलावती इन दोनों ने कलावती ने भगवत प्रसाद का त्याग किया तो देखो उसका पति कहीं नाव पूरी की पूरी डूब गई। सत्यनारायण की कथा लीलावती कथा। तो जहां पर पहले कोई सिद्धांत निरूपण किया और सिद्धांत निरूपण करके उसके प्रमाणित करने के लिए जहां कोई कथा कह दी जाए और कथा के माध्यम से उस बात को प्रमाणित किया जाए उसका नाम है मित्र संबंध पदावली। ये पुराणों की पद्धति है। साहित्य की जो पद्धति है वो है कांता संबंध पदावली। जैसे पत्नी पति को उपदेश नहीं देती है परंतु वह बातों में मीठी मीठी बातों में ही वह ये बता देती है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। उसका नाम है कांता संबंध पदावली। जब रामायण पढ़ी जाएगी रामायण का पाठ होगा तो अपने आप व्यंजनावृत्ति के द्वारा ये बात पता लग जाएगी कि रामवत आचरितव्यम न तो रावणवत। हमको राम की तरह से आचरण करना चाहिए रावण की तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। ये बात लिखी कहीं नहीं, पूरे रामायण कहीं लिखी हुई नहीं है परंतु तो अपने आप उस काव्य को पढ़ने के बाद में यह बात अपने आप ही प्रकट हो जाती है। तो उसका नाम है कांता संबंध पदावली। तो जहां पर गुरु शिष्य का सीधा संबंध नहीं है, अधिकार गुरु शिष्य वाला नहीं है, वहां पर जब भी उपदेश दिया जाएगा वह अन्योक्ति की पद्धति में दिया जाएगा। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर कहा जा रहा है किसी से परंतु संबोधन किया जा रहा है किसी को। यहां पर भी श्री वृंदा जी श्याम सुंदर को उलाहना देती हुई कह रही हैं कि अरे चकोर जब ऐसी सुंदर यहां पर वार्ष भानवी लक्ष्मी फैल रही है अर्थात वृष के सूर्य उनकी अपूर्व रूप से वसंत की वैशाख मास की अपूर्व शोभा वसंत की जब फैल रही है ऐसी शोभा को छोड़ करके अरे चंद्रावली कुटुंब चकोर चंद्रावली के कुटुंब से आकर्षित होने वाले चकोर तू दौड़ दौड़ करके रात्रि की प्रतीक्षा क्यों करता है जो सामने वसंत ऋतु की शोभा फैली हुई है उस शोभा का आस्वादन प्राप्त कर। अरे वाष्पानवी कुटुंब के चकोर माने वाष्पान श्री चंद्रावली कुटुंब चकोर तो चंद्रावली श्री राधे चंद्रावली जी उनका कुटुंब कौन है? पद्मा और शैव्या। उस पद्मा और शैव्या के जाल में फंस करके अरे चकोर अरे कृष्ण तू सामने जो भीष्मानंदिनी है उनका त्याग करके क्यों इधर उधर जा रहा है? ये कोई वृंदा जी की सखी ही यह श्याम सुंदर को मानो संकेत करती हुई कह रही है और वचनों के माध्यम से ही श्री श्याम सुंदर को जैसे उत्सुक कर रही है कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है श्री विश्वानंद ने यहां पर जल्दी ही आने वाली है। ये श्री वृंदा जी ने जैसे नांदी मुखी जी या और कोई जो सखी है उनके माध्यम से जैसे श्याम सुंदर के पास में ये संदेश भिजवाया तो नेपथ्य से ही ये आवाज आती है माने कोई सखी जैसे
श्री श्याम सुंदर को संकेत करती हुई ये अन्योक्ति अलंकार में ये कह रही है कि अरे चकोर, चंदावली के सखियों के जाल में तुझे उलझने की जरूरत नहीं है। इस समय जो विश्वभान नंदनी श्री राधिका, उनकी जो रूप माधुरी है, उस रूप माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने के लिए उसमें रागणी होकर के तू विराजमान हो। तो वाशवाणी लक्ष्मी यम पुरो रागणी समुद्गच्छति चंदावली कुटुंब चकोर माधव सुप्रभम। तो अब प्रभात काल, इस मध्यान काल के समय, इस दिन के समय चंदावली की ओर मत उत्सुक हो, चंदावली की परवाह मत कर, बल्कि सामने जो विश्वानंदिनी है उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर। मधुमंगल कहते हैं, ललते भ्रांतासी नखल चकोरह, ये ललता के वचन है। ये जो वचन थे ना भाषवान भी, ये जो वचन है अभी अभी जो वचन नेपथ्य से आए थे, ये ललता जी जैसे श्याम सुंदर को उल्हाने गिरेंगे। अच्छा, ललता जी के ये जो वचन है ये भी प्रखरा नायिका के वचन है, प्रखरा दूती के। दूती तीन प्रकार की होती है, एक दूती होती है प्रखरा, एक होती है समा, और एक होती है लघ्वी मृद्वी। यहां पर मृद्वी के वचन नहीं है बल्कि प्रखरा के वचन। श्री ललता है दौत्य करने में प्रखरा, श्री विशाखा है समा, और श्री वृंदा वे हैं लघ्वी। परंतु यहां पर जो वचन है वो जैसे दाक फटकार के वचन है कि अरे चकोर, क्यों सामने फैली हुई जो शोभा है उसका त्याग करके क्यों भाग रहा है चंदावली की ओर? चंदावली की ओर भागेगा तो तुझे कहीं धोखा ही मिलेगा, तुझे तू कहीं वंचित ही रहेगा। अरे कितर योषिता कस्तिजन निशी, जैसे उसमें भाव प्रकट किया गया कि यदि अनुरक्त प्रिया का त्याग कोई करे तो वह समझ ही रहा है कि मैं प्रिया को ठग रहा हूं, परंतु वो प्रिया को ठग नहीं रहा है, वो स्वयं ठगाया जा रहा है। अनर्थ प्रिया का त्याग करना या अपने आप को ही ठगाना है, तो ये तू ठग नहीं रहा है बल्कि ठगाया जा रहा है, इसलिए इधर उधर मत भाग, इधर उधर मत भाग। श्री मधुमंगल कह रहे हैं, ललते भ्रांतासी, अरे ललता तू भ्रांत हो रही है, नखल चकोरह, अरे ये चकोर नहीं है, पशेष रथांगी रमणा, ये तो रथांगी के रमण है, चकवा और चकवी। चकवा को कहते हैं रथांग और चकवी को कहते हैं रथांगी। तो ये तो रथांगी रमण माने चकवा है। अब चकवा चकवी के विषय में कवि प्रौढ़ी है कि दिन में चकवा चकवी मिलते हैं, रात होते ही नदी के एक किनारे एक पार पर तो पहुंच जाता है चकवा, और दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है चकवी। तो कोक कोकी चकवा चकवी, कोक कोकी कहें चाहे चकवा चकवी कहें, वे रात्रि को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि रात्रि में उनका वियोग हो जाता है, दिन को पसंद करते हैं। तो मधुमंगल यहां पर कह रहे हैं, ललते तू जिसको चकोर कह रही है वो चकोर चकोर नहीं है बल्कि वो तो चकवा है। चकोर की चंदा के साथ में प्रीति होती है, परंतु जो कोक है चकवा है उसकी चंद्रमा के साथ में प्रीति नहीं होती है। मेरे सखा कृष्ण की प्रीति तो श्री राधिका के साथ ही है, ये कहने का तात्पर्य। ये अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग इसलिए कि यदि कदाचित कोई अनधिकारी व्यक्ति भी सुन रहा हो तो वो तो ये समझेगा कोई कविता पाठ कर रहा है, वो इसके मर्म तक नहीं पहुंचेगा। तो मर्म से बचाने के लिए, अपने प्रेम को गोपनीय रखने के लिए ये अन्योक्ति अलंकार के द्वारा चकवा चकवी या चकोर चंदा, चंदा चकोर, इनके रूपों के माध्यम से ये उल्हाना दिया जा रहा है कि ये चकोर है,
ये चकोनी कोक है, माने चकवा है, जो कि बाष्पवर्धन की लक्ष्मी काम्यते, वृषभानी नंदिनी उनकी ही ये अभिलाषा करने वाला है। अर्थात दिन में जो वैशाख के महीने की अपूर्ण शोभा उसकी ही कामना कर रहा है। पुनः नेपथ्य से आवाज आती है कि भो कृष्ण सुनो, मधुमंगल एकदम कहते हैं, अब ये जो आवाज है, अरे कृष्ण सुनो, ये जो आवाज आई, ये आवाज कहां से आई, बोले छोटी सी जो बालका थी रथांगी, वो बीच में दिन न जाने कहां दाल भात में मूसा चंद कूदा, ऐसी सुंदर प्रसंग चल रहा था रस का, और उसमें बाधा डालने के लिए ये रथांगी, ये सारंगी नाम करके जो बालका है, माने ये अभिमन्यु की मौसेरी बहन, जटला उठला कुठला की पुत्री है, तो ये सारंगी जो है वो बाधा डालने के लिए बीच में उपस्थित हुआ है। यहां पर रस की प्रधानता है, भारतीय जो नाट्य शैली है वह रस प्रधान है, जबकि पाश्चात्य नाट्य शैली कहीं संघर्ष प्रधान होकर के वहां पर कॉन्फ्लिक्ट वो प्रधान है, जबकि भारतीय जितने भी रस पद्धति है उसमें प्रीति की कैसे वृद्धि हो, प्रीति की वृद्धि करने के लिए कहीं प्रतिपक्ष का भी प्रयोग किया जाएगा, परंतु वो प्रतिपक्ष रस को बढ़ाने के लिए है, वह संघर्ष को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो संघर्ष प्रधानता नहीं है भारतीय नाटक, भारतीय नाटक सर्वदा सर्वदा रस प्रधान होकर के विराजमान। लगता यह है कि संघर्ष उपस्थित किया गया, परंतु वो संघर्ष भारतीय नाटकों में कभी भी बहुत बड़ा संघर्ष नहीं होता है, आता है परंतु संघर्ष का जल्दी से समाधान हो जाता है। परंतु जो पाश्चात्य नाट्य शैली है उसमें संघर्ष को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहां पर संघर्ष आ रहा है, विरोध आ रहा है, परंतु विरोध रस को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उसका प्रयोग हो रहा है, ये एक अंतर है। तो यहां पर श्री मधुमंगल कह रहे हैं कि देख करके शंकित होकर के कि एषा दक्षिणे विशालस्य भंगी भगिनी सारंगी नाम बालिका, ये कहां से सारंगी आ गई, ये जरा सी सारंगी, ये सारंगी बालिका जन कहां से आ गई, विशाल की बहन है ये, कुटिला उसकी पुत्री है, माने अभिमन्यु की मौसी की पुत्री है, मौसेरी बहन है, ये कहां से आ गई, ऐसे जो कहा कृष्ण कह रहे हैं सखे मां संकिष्ठा शिष्ट बालिके हम, बोले अरे ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं, ये तो सारंगी छोटी सी बालिका, इसकी बात को कौन माने, बकने दे से। इतने में सारंगी वो बालिका प्रवेश करती है और कह रही है कि कृष्ण श्रुणु ओ काना सुन, वृद्धा मुखरा भरती, मुखरा जी कह रही है, वृद्धा मुखरा कह रही है कि कस्मात त्वया मम नत्री मिथ्या दूष्यते, कि तू मेरी नातनी राधिका को क्यों दूषित करना चाहता है, क्यों उनके ऊपर कलंक लगा रहा है, मेरी राधिका उनके ऊपर तू क्यों कलंक लगा रहा है, यत्तव वंशिका अस्माभिः कटकटिका हस्ते दृष्टा, तेरी वंशी हमारी भाभी राधिका ने ली ली है, तेरी वंशी तो हमने बदलिया के हाथ में देखी है, और तू जबरदस्ती वंशी चोरी का दोष श्री राधिका को लगा रहा है, ये कहां की बात है, यहां पर राधा ने वंशी नहीं ली है, राधा भाभी ने वंशी नहीं ली है, वंशी जो ली है वो तो ककटी के हाथ में होगी, तो तू मेरी नातनी को क्यों व्यर्थ में दोष लगा रहा है, तस्मा मां, इसलिए मां देहि एनम इति, तू राधिका को दोष मत दे,
तुमको राधिका को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण डांटते हुए कह रहे असारिणी के विज्ञापन मुखरा यदाम लब्ध मुरली गोस्मी, बोल कह देना मुखरा से हमको तो हमारी वंशी मिल गई, हम काय को दोष लगाएंगे, हमारी वंशी तो हमारे पास में है कि लब्ध मुरल गोस्मी अभी मिली नहीं है परंतु फिर भी कह रहे हमारी वंशी तो हमको मिल गई है। ऐसे जो मुखरा के वचन ने इनके सारंगी के वचन सुने, उधर नेपथ्य में जो वृंदा और सुवन ललता और राधिका बने हुए हैं, वो ललता माने वृंदा रूपी ललता सुवन रूपी राधिका से कह रही है कि हला प्रछन्ना भाव, अरे सखी छिपचा छिपचा, अरे राधिका छिपचा छिपचा। सारंगी नेपथ्य की ओर देख करके कह रही है ईर्ष्या सहित हला राधिके चैत्य वृक्ष तले त्वाम आकारयति मम भ्राता, कि अरे राधिका चैत्य वृक्ष के पास में तुमको मेरे भाई अभिमन्यु बुला रहे हैं, तुमको मेरे भाई अभिमन्यु ने चैत्य वृक्ष के पास में बुलाया है। ता वृद्ध शब्द ऐसे जिस समय कहा उस समय कह रहे हैं श्री ललता जो है वो ललता जो पर्दे के पीछे है वे ललता मानो कह रही है कि हाय हाय हताशे शाखा सारिणी मुखी सारिणी के, अरे हताश बड़े दुख की बात है शाखा सारिणी मुखी सारिणी के, अरे हताशे माने आशा को नष्ट करने वाली, अरे शाखा सारिणी माने शाखा मृग उन सली के मुखवारी माने बदलिया जैसे मौड़े वाली, शाखा सारंग मुखी शाखा सारंग कह रहे हैं शाखा मृग ये नाम है बंदर का, शाखा मृग ये बंदर को कहते हैं, तो शाखा सारंग मुखी माने बदलिया जैसे मौड़े वाली ब्रजवासी की गाली है, ललता जी वही गाली देती हुई कह रही है कि अरे बदलिया जैसे मौड़े वाली, अरे सारंग के तो द्वितीय जटला समृद्धता तू तो दूसरी जटला बन गई है, तस्मा वृद्ध शार्दूलस्य तुंड कोटरे पट, कोई वृद्ध शेर के मौड़े में पट, कोई शेर कोई खा जाए मत, ऐसे गाली देकर के ये तो मरी जा कहां से आई गई है, जा कोई शेर के मौड़े मत, ऐसे गाली देती हुई श्री ललता कह रही है। ये प्रमदाओं की सहज में ये जो बोली है उस बोली में ये शाबात नहीं है, ये ब्रजवासियों की बोलचाल की बात, जा कोई शेर के भौड़े में कोई शेर तो खा जाए, जा कोई शेर के भौड़े में पाए, ऐसे वो पीछे वाली जो वृंदा है वो वृंदा का आज के बोली बिल्कुल ललता की अनुकरण कर रही है और श्री राधिका की पूरी बोली का अनुकरण कर रही है श्री सुवन, दोनों जन कर रहे हैं। सारंगी उसमें क्रोध करती हुई कह रही है कि ललते अपराधम कृष्णवती मामे को तुम चल जाए सी, बोले लो उल्टा चोंच कोतवाल को डांटे, वो वाली बात कर रही है अपराध किया है तूने और मुझे ही तू डांट रही है, तो अपराधम कृतवती मामे को तुम चल जाए सी तदम कत्वा मातलाई जतलाई विज्ञापिष्यामि, अब मैं जाकर के जो अपनी मौसी जटला है उन जटला से कहती हूं, ऐसा कहकर के ये उस समय निकल गई, वो बालिका जो है वो चली गई, माने
भारतीय नाटकों में संघर्ष जो आएगा वो केवल रस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आया, फिर संघर्ष जल्दी से समाप्त हो जाएगा। यहाँ संघर्ष प्रधान नहीं है बल्कि रस की ही विशेष रूप से प्रधानता है। और श्री वृंदावन का ये जो रस है ये तो विशुद्ध रूप से रस प्रधान ही होकर के विराजमान है, तो यहाँ पर तो रस ही रस की प्रधानता है। इतने में ही मधुमंद सारा अवज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, बोले जान दो जान दो, जात नाम बालका प्रलापे कस्य विश्रम्भः। आज बालका के इस प्रलाप पर ये जाकर के भले गांव की जितनी भी पंच गोपी हैं उन पंचायत गोपियों के बीच में भी यदि कह दे तब भी इसकी बात पर कौन विश्वास करेगा, बच्चे के वचन पर कौन विश्वास करेगा, इसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे छोटे बच्चों की जो बात उनकी बात को कोई प्रमाण थोड़ी माना जाता है। ठीक है, इतने में नेपथ्य से आवाज आती है कि सखे राधे मुंच मुंच शुरू संस्कृत किम भरते लगता। बोले अरे सखे राधे छोड़ दे छोड़ दे, देख ये संस्कृत में लगता क्या कह रही है। मन कोई दूसरी सखी उस समय श्री राधिका से कह रही है, उस समय कोई दूसरी सखी आ गई, मन श्री वृंदा जी जो है वो नहीं, दूसरी सखी नहीं, वृंदा जी ही उस समय श्री राधिका से कह रही है कि अरे सखे राधे मुंच मुंच क्यों इस बंशी को पकड़े बैठी है, छोड़ दे बंशी मुझे दे। ऐसा कहकर के सुन संस्कृतेन किम भरते ललता, ललता भी ये ही कह रही है कि इस बंशी को त्याग दे त्याग दे। किम तस्करी युवतिमान धनस्य बंशी, इस बंशी को क्यों तू चुरा करके अपनी छाती से चिपका करके बैठी है, इस बंशी का त्याग कर दे त्याग कर दे। किम तस्करी, ये बंशी चोर नहीं है, तस्करी काय की चोरी करती है। बोल युवतिमान धनस्य बंशी, युवतियों के मान रूपी धन का हरण करने वाली ये बंशी है, ऐसी बंशी को अंक करोशी विकृत त्वरया विदूरे, क्यों तू अपनी छाती से चिपकाए हुए है। जो बंशी बड़ी बड़ी माननी वे जब बंशी ननाद सुनती है तो बंशी ननाद सुनकर के उनका मान भंग हो जाता है, ऐसी बंशी को क्यों तू छाती से लगा कर के बैठी है। इस बंशी को फेंक दे ऐसा प्रयात बनतांबर तस्कर आयो। अरे चोरनी का साथ चोर के साथ में ही होना चाहिए, नीति ये कहती है कि जहां चोर है वहीं चोरनी को चला जाना चाहिए। ऐसा प्रयात